जहां भारत लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंताजनक स्थिति में ही है और देश में लगातार मांग उठती रहती है कि जनसंख्या को कम करने के लिए दो बच्चा नीति को लागू किया जाए, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन ने तीन बच्चा पैदा करने की अनुमति देने की योजना बनाई है। हाल ही में ही चीन के जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर 1950 के बाद से सबसे धीमी है और इसमें गिरावट आ रही है। तब से चीन ने प्रत्येक विवाहित जोड़े को तीन बच्चा पैदा करने की घोषणा की है। पाँच साल पहले सन 2016 में चीन ने पहली बार अपनी विवादास्पद एक बच्चे की नीति में बदलाव किया। चीन ने अपनी एक बच्चे की नीति को 1980 में तब शुरू किया था जब कम्युनिस्ट पार्टी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित थी। इस नीति को लागू करने के लिए कई तरीके अपनाए गए, जिसमें परिवारों को बच्चा पैदा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, गर्भ निरोधक व्यापक रूप से उपलब्ध कराना आदि, ऐसे अनेक कानूनों को लागू किया गया था। नीति उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रतिबंध आदि लगाए गए थे। तेजी से बढ़ती उम्र, बढ़ने वाली आबादी के कारण आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रत्येक विवाहित जोड़े को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति देने के लिए एक बच्चे की नीति में बदलाव किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।